ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। होप आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। आज भी हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड न्यूगार्टन आवर सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली, मीन्स हमारी जो सोसाइटी है वो इंक्रीज हो रही है, वो बर्नार्ड न्यूगार्टन के अकॉर्डिंग क्या है? तो वो क्या है? एज इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है, द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पॉर्टेंट सोशल फोर्स ऑन अ पर्सन हु हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दैम प्रेजेंट्स द, यहाँ ये बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल फोर्सेस ऑन पर्सन हु हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दैम रिप्रेजेंट, मीन्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई पर्सन है और उसका क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वो किस किस चैप का क्या करेगा, इन्फ्लुएंस डालेगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सोसिस्टम पर क्या करेगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा। फिर द एबिलिटी टू फ्यूज वन आइडेंटिटी विद समवन एल्स विदाउट फियर टू लूज इट इज, मीन्स हम जैसे हमारी जो आइडेंटिटी, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि इससे हमारी जो आइडेंटिटी है उस पर किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है, वो जो है इस टाइप की जो मतलब हमारा जो सोचना है वो किस में आएगा, तो ये जो है हमारी इंटीमेसी के अंदर आएगा। इस टाइप की जो एबिलिटी है वो किस में आएगी, इंटीमेसी में। फिर नेक्स्ट है, सक्सेसफुल रिसोल्यूशन ऑफ द आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट्स इन एडोलेसेंस लीड्स टू, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन, ये जो है एडल्ट्स में कौन से टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पे होता है द एबिलिटी टू कमिट वन सेल्फ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करता है, लीड करता है, क्या चीज, आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट है, द साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट डेवलप ड्यूरिंग, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट का जो एक स्टेज होता है साइकोलॉजिकल स्टेज, वो कब डेवलप होता है, वो इन्फेंसी के टाइम ही डेवलप हो जाता है। कैसे, जैसे सपोज करिए कोई इन्फेंट है एंड वो जैसे जैसे अपने एनवायरनमेंट में सबके साथ रहने लगता है तो उसको धीरे धीरे फील होने लगता है कि कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मेरे लिए अच्छा है, तो वो अपना जो कुछ भी हाव भाव है अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू वो जो कहना चाहता है वो क्या करता है, उसके जो एकदम नियर रहते हैं जैसे फादर मदर है उनको वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, वो उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, वो ये नहीं देखता, उसे ज्ञान नहीं है अभी कुछ भी चीज़ का कि क्या सही है क्या गलत है, वो ब्लाइंडली उन पर बिलीव करता है। एंड यही जो ब्लाइंडली बिलीव करना है यही क्या हो गया, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, एंड ये इन्फेंसी के टाइम से स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मर्सिया अ पर्सन हु हैज़ नेवर अडॉप्टेड व्हाट दे वांटेड टू बिकम एंड सो नेवर एक्सप्लोर्ड अदर ऑप्शन इज सेड टू बी, जेम्स मर्सिया के अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब हमारा अपना जो उसका गोल है उसको वो क्या करके रखा है, एकदम सेट करके रखा है और उसके अकॉर्डिंगली वो मतलब काम कर रहा है, कुछ और आगे पीछे नहीं देख रहा है, तो वो मीन्स आगे पीछे नहीं देखना मीन्स 10 जगह अपना दिमाग नहीं बांट रहा है, वो उसका जो फोकस है वो उसी पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, जो उसका गोल है उसी पर। तो ये किस में आएगा, ये आइडेंटिटी फोरक्लोज्ड में आएगा। जैसे इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए आप कहीं एक जगह पढ़ रहे हो
एंड आपको वहाँ की पढ़ाई अच्छी लग रही है एंड आपके एग्ज़ाम के लिए वो सेटिस्फाइड है, आपको वो सेटिस्फैक्ट्री, आपको जो भी चाहिए वो सब मटेरियल दे रहे हैं, बट आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे हो एंड इधर उधर भटक रहे हो और आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको भी मिस कर दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी फोरक्लोज्ड में नहीं आएगा। वहीं आप एक ही जगह पर फोकस कर एक ही चीज़ को अच्छे से ध्यान से देख के पढ़ोगे तो वो क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी फोरक्लोज्ड में आ जाएगा। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर करियर ओरिएंटेड लिया गया है। फिर स्टेट्स दैट इन्वॉल्व्स द मोटिवेशन टू फ्लो रैशनल म्यूचुअली एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स एंड मेंटेन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर इज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टेट्स हैं जो कि मोटिवेशन के फ्लो को और म्यूचुअली एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल एंड जो रेस्पेक्ट्स वगैरह इन सबको क्या करता है, इन्वॉल्व करके चलता है। तो ये कौन सी स्टेज हो सकती है, ये जो स्टेज है वो कौन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। फिर नेक्स्ट है द इन्फेंट इंस्टिंक्चुअल एक्शन एट बर्थ टू द बिगनिंग ऑफ सिम्बॉलिक थॉट ऑकर्स। जब जो इन्फेंट है जब वो बर्थ लेता है तो उसका सिम्बॉलिक थॉट जो होता है एकदम स्टार्टिंग में वो क्या रहता है, तो उसका है सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके जो फर्स्ट डेवलपमेंट होते हैं उसके सेंसरी मोटर के ही डेवलपमेंट होते हैं एंड वो किसके अंदर आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के अंदर आते हैं। ये किसका है, पियाजे के सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस नहीं होते। फिर नेक्स्ट है द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इंटरप्रेट्स न्यू इंफॉर्मेशन इन लाइट ऑफ एक्सिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज। कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि क्या कर रहा है, नई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है और जो हमारे जो पुराने नॉलेज हैं उनको भी उनके बेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन होगा। द बेस्ट अप्रोच ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज, पेरेंटिंग स्टाइल का बेस्ट अप्रोच कौन सा है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू व्यगत सिंह कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, व्यगत सिंह के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो सोशल इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू व्यगत सिंह। फिर नेक्स्ट है द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द प्यूबर्टी टू द बिगनिंग ऑफ एडल्टहुड इज, प्यूबर्टी से बिगनिंग एडल्टहुड का ये जो पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड कौन सा होता है, तो वो रहता है एडोलेसेंस कहते हैं ना उस पीरियड को, 12 to 18 ईयर्स, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन को कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है एडोलेसेंस। फिर नेक्स्ट है द पीरियड्स बिगिंस व्हेन द इंडिविजुअल अस्यूम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइफ इज, मतलब कोई भी पर्सन है कोई भी बंदा है वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, अपने लिए एज्यूम करने लगता है, तो ये कौन सा स्टेज है, एडल्टहुड का स्टेज है। एंसवर्ड्स थ्री टाइप ऑफ अटैचमेंट इन एन इन्फेंट स्ट्रेंज सिचुएशन आर, एंसवर्ड्स की क्या है, थ्री टाइप की अटैचमेंट की स्टेज है इन्फेंट्स के लिए, वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है सिक्योर, सेकेंड है अवॉइडेंट एंड थर्ड है एंजियस। फिर नेक्स्ट है पीपल कॉग्निटिवली रिप्रेजेंट्स अदर बिहेवियर एंड समटाइम्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू, पीपल क्या करते हैं, कॉग्निटिव रिप्रेजेंट अदर बिहेवियर, मतलब उनका जो बिहेव है वो थोड़ा कभी कभी अलग हो जाता है और कभी कभी वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अल्बर्ट बंदूरा के अकॉर्डिंग है। फिर नेक्स्ट है ऑल सिस्टमेटिक चेंज दैट ऑकर्स इन ह्यूमन इज रेफर टू एस, जितने भी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है वो जो भी ह्यूमन में होते हैं वो किसे रेफर करते हैं,
या फिर किसके परिणाम स्वरूप होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डेवलपमेंट। एन अप्रोच कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट थ्योरिटिकल प्रोस्पेक्टिव इज रेफर्ड टू एस आंसर है एसिलेक्टिक। एन आइडेंटिटी डेट रिजल्ट्स इन एन इंडिविजुअल एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इज एक आइडेंटिटी जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के जो ऑप्शंस हैं वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। तो वो क्या है, वो है मोरेटोरियम। फिर नेक्स्ट है द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इंटरप्रेट्स न्यू इंफॉर्मेशन इन लाइट ऑफ एक्सिस्टिंग स्कीमाज इज मीन्स हमारी जो एक्सिस्टिंग नॉलेज है उसमें ही हम क्या करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी इंटरलाइज्ड एंड हेल्ड एज वंस ओन इज पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ ये बोल रहा है जो मोरल डेवलपमेंट का जो लेवल है एंड उसके रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो सोसाइटी में किस टाइप से क्या किए जाते हैं, मतलब हैंडल किए जाते हैं या उनका व्यू सोसाइटी में किस तरीके से लिया जाता है, तो उसका होगा आंसर पोस्ट कन्वेंशन। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी ऑकर्स एट स्कूल एज। फिर नेक्स्ट है एन इफेक्टिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग इन विच द पेरेंट्स इज वार्म एंड लविंग एंड सेट्स वेल डिफाइंड लिमिटेस। एक ऐसी इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल जो कि पेरेंट्स जहाँ पर उनको सख्त होना है वहाँ सख्त रहते हैं, जहाँ उनको प्यार करना है वहाँ वो प्यार करते हैं, एंड वो जो भी चीज़ें अपने चाइल्ड्स पर अप्लाई करते हैं वो क्या होती हैं, वेल डिफाइंड लिमिट्स मीन्स उनका जो मतलब हद है वो जिस हद तक रहना चाहिए उसी हद तक रहता है, ना वो हद से ज़्यादा गुस्सा करेंगे ना वो हद से ज़्यादा प्यार करेंगे, वो जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। तो ये कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है, ये है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। होप मैंने जो भी बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए एंड अपने डाउट्स जो हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर डेली क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे जो क्विज़ होती हैं उसके आप क्या कर सकते हैं, आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, सो इसके लिए थोड़ी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। थैंक यू।